24 अगस्त 2019 को एक अनाउंसमेंट आता है आईसीआई के वेबसाइट पे बोर्ड ऑफ स्टडीज के द्वारा, जिस अनाउंसमेंट में कुछ बातें करी गई क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में, और जहां कहा गया है कि आप केस बेस्ड क्वेश्चंस को डेवलप करके भेज सकते हैं फाइनल लेवल के लिए और इंटर लेवल के लिए, सीए इंटर की मैं बात कर रहा हूं, राइट दोस्तों। मेरा नाम सुमित पराशर है और आप सबका इस वीडियो ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं हम सबके प्यारे, आप सबके प्यारे नितिन गुप्ता सर, जो ऑडिट में गाइडेंस देते हैं इंटर लेवल और फाइनल लेवल दोनों के। जहां तक मेरा सवाल है, मैं EISSM और ITSM में आप लोगों को लंबे समय से गाइडेंस देता आया हूं। इस अनाउंसमेंट की कुछ खास बातें जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, अगर आप इस अनाउंसमेंट को देखेंगे, यू विल फाइंड दैट कि कहीं भी इसके एप्लीकेबिलिटी की बात नहीं है, है ना सर? यस सर, यस सर। ये कब से एप्लीकेबल है, आई मीन नवंबर में एप्लीकेबल है, नवंबर 19 में या मई 20 से एप्लीकेबल है, इसकी बात नहीं की गई है। बट एक बात बहुत ही सर्टेन है कि शायद कुछ रेट्रोस्पेक्टिव होने वाला है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस पहले पूछे जाते थे सर। हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस, हाँ, एमसीक्यू में नहीं होता था, बट केस के साथ लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट ऑफ दो नंबर के पहले बनते थे, पहले बनते थे। बट अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है ये कि मुझे ऐसा लगता है कि नवंबर 19 में भले ही ना हो, बट ये निश्चित रूप से मई 20 में एप्लीकेबल होगा ही होगा। अगर हम करंट बैचेस की बात करें तो करंट बैचेस में भी, जैसे मेरे फेस टू फेस बैचेस जो चल रही है या फिर जो पेन ड्राइव क्लासेस बच्चों ने ले रखा है, उनमें आप कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो मई 20 में अपीयर होने। तो आपके लिए इस अनाउंसमेंट को जानना बहुत ही जरूरी है, जो आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट सर? आप प्लीज बताइए बच्चों को इस अनाउंसमेंट के बारे में कि क्या क्या चीजें हैं जो इंस्टीट्यूट ने बिल्कुल बच्चे, जैसे कभी आपने सीपीटी में, कभी अगर आपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखे हो, तो अकाउंट में आपने कुछ ऐसे क्वेश्चन करे होते थे कि पूरा एक क्वेश्चन फ्रेम हुआ करता था। जिस लाइक अगर मैं कंपनी अकाउंट की बात करूं, तो कंपनी ने शेयर इश्यू किए थे, फिर फॉरफिट कर लिया गया, तो पूरा एक केस स्टडी वहां पे हो गया। अब उसमें से चार या पांच क्वेश्चन वहां पे निकल के आ रहे थे, बताइए कितना अमाउंट शेयर फॉरफिचर अकाउंट में होगा, कितना अमाउंट आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो एक केस देने के बाद उस केस से रिलेटेड पांच या छह क्वेश्चन वहां पे बन जाया करते थे। इसी अप्रोच को ये लेके आ रहे हैं EISSM एंड ऑडिट के अंदर। मतलब कि जो पहले 30 नंबर का एमसीक्यू जो पहली बार मई 19 में आया था, वो एमसीक्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। मतलब आप एमसीक्यू पढ़ेंगे और सीधा आपको चार ऑप्शन हैं, उसमें से आपको एक आंसर लेके जो सही आंसर होगा वो आपको ऑप्ट करना था। बट इसमें क्या है कि अब आपको पहले एक या दो पेज की लेंथ बताई है इन्होंने, केस स्टडी की जो लेंथ होगी वो एक से दो पेज के आसपास की होगी। तो एक दो पेज की केस स्टडी को आप पढ़ेंगे, अब उस केस में जो एमसीक्यू पॉसिबल होंगे वहां पे पांच या छह एमसीक्यू आईसीआई बेटा वहां पे फ्रेम करेगा, और अब आपको वहां पे आंसर देना होगा। उसमें सब्जेक्टिव अप्रोच बिल्कुल नहीं होगी। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है एक समझने की कि अगर आप देखो तो पेपर के इवैल्यूएशन का, स्टूडेंट के इवैल्यूएशन के लिए इंस्टीट्यूट ने दो क्राइटेरिया डिसाइड किया था, लेवल वन एंड लेवल टू। लेवल वन में आपसे नॉलेज एंड कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं लाइक डेफिनेशन एंड ऑल। और लेवल टू जो होता है, दैट इज एनालिसिस एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। तो इन मेजॉरिटी ऑफ सब्जेक्ट यू विल फाइंड दैट, इवन इन EISSM एंड ऑडिट यू विल फाइंड दैट कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों पार्ट में। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो नॉलेज एंड कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होते हैं, कुछ क्वेश्चंस एनालिसिस एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। सो अब जो है, अगर केस बेस्ड क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, केसेस बनाए जाते हैं, वन पेज का मान लो केस बनता है, देन देयर विल बी सम एमसीक्यूज, तो उस कंडीशन में क्या होगा, दोज आर बेसिकली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, और उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना शुरू करेगा। बिल्कुल। हालांकि एक बात तो पक्का है, मैं हमेशा से कहता आया हूं कि खास करके EISSM ऑडिट की अगर हम बात करें सेकंड ग्रुप सीए इंटर में,
तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप रटे, समझने वाली चीजें हैं सारी की सारी। और अब और भी ये ज्यादा क्रिटिकल होने जा रहा है बिकॉज जैसा कि मेरे को इस बार भी सुनने को आया कि बहुत बच्चों को एमसीक्यू में दिक्कत हुई, खास करके जिन्होंने थियरी को मेमोराइज करने की कोशिश करी, जैसे तैसे रट के एग्जाम देने चले गए, उनसे एमसीक्यू सॉल्व ही नहीं हो रहा था सही से, अटेम्प्ट कर दिया गलत हो गया। तो जहां एमसीक्यू है वहां कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, और जहां केस बेस्ड एमसीक्यूज है एप्लीकेशन आपसे पूछा जाएगा, आपके पास कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए तभी तो आप अप्लाई कर पाओगे उसे। और जाहिर सी बात है आपके लिए लर्निंग और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हेन आई से लर्निंग इट मींस अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स, मतलब रियल सेंस में लर्निंग जिसको कहते हैं, सिर्फ ये नहीं कि हम थियरी को रट रहे हैं और यू नो कोर्स और वगैरह के थ्रू। बिल्कुल सर, देखो बच्चे पहले क्या हो रहा था कि जिस बच्चे का कंसेप्ट अच्छा हुआ करता था वो थियरी के पेपर में स्कोर नहीं कर पा रहा बिकॉज वो उसको अच्छा लिख नहीं पा रहा था, और कुछ ऐसे नालायक बच्चे जो रट रटा के कंसेप्ट से नालायकों को मतलब नहीं था, बस उन्हें पता था कि यार पीएम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं रिपीट मोड पर आते हैं तैयार करते हैं उसको। तो अब ये पेपर आसान हो गया ऐसे बच्चों के लिए जो कि बेटा कंसेप्ट के ऊपर फोकस करते हैं, और जो केवल बेटा पहले रट्टा करने के बाद कि हाँ रट लेते हैं एग्जाम में हम लिख के आते हैं, उसके लिए अब ये लेवल क्रैक कर पाना, चाहे वो इंटर लेवल हो या फाइनल लेवल हो, उस लेवल को क्रैक कर पाना अब इतना ज्यादा आसान नहीं रहेगा। तो अब आप केवल रटने के बेस पर आप अपने पेपर को अच्छा अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों सर? बिल्कुल सही। और चलिए अब हम आपको थोड़ा डिटेल दिखाते हैं, हालांकि दे आर फोर पेजेस बट इतना सब कुछ जानने की हमें जरूरत नहीं है, मैं आपको की पॉइंट्स दिखाता हूँ व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर। सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ इंस्टीट्यूट के नोटिफिकेशन में, अनाउंसमेंट में, इट इज मेंशन दैट इंटीग्रेटेड केस सिनेरियोस शुड कंप्राइजेस ऑफ अ केस सिनेरियो फॉलोड बाय 5 to 6 एमसीक्यू बेस्ड ऑन द सेड केस सिनेरियो। तो एक केस सिनेरियो दिया गया आपको और उसके आधार पर 5 से 6 एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। तो आपने केस को पढ़ा और फिर 5 से 6 एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व किया, ये मत सोचना, बहुत इंपॉर्टेंट है यहां समझना, कि ऐसा मत सोचिएगा कि वो एमसीक्यू सीधा उठ के आएगा, उसके ऑप्शंस केस में से ढूंढ के हम आंसर टिक कर देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि केस को में आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को और थियोरेटिकल जो प्रैक्टिसेस आपने सीखे थे क्लास में उसे अप्लाई करना होगा, देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट योर आंसर। सो एक केस सिनेरियो होगा और उसके साथ 5 से 6 क्वेश्चन होंगे। द लेंथ ऑफ द केस सिनेरियो इंक्लूडिंग एमसीक्यूज शुड बी फॉर 1 to 2 पेजेस, 1 से 2 पेजेस। मान के चलो 1 पेज का आपका पूरा क्वेश्चन फ्रेम हुआ, हाँ। और 1 पेज में आपको क्वेश्चन एमसीक्यूज मिल जाएंगे, 1 पेज का केस रखिए और 1 पेज का एमसीक्यू रखिए, सॉर्ट ऑफ इस तरह का प्रपोजल है आईसीआई की तरफ से। ईच एमसीक्यू शुड हैव 4 ऑप्शन, जो अभी भी यही पैटर्न है, आउट ऑफ विच देयर विल बी ओनली 1 करेक्ट ऑप्शन। तो 4 में से 1 ऑप्शन को हमें क्या करना है, चूज करना है, अभी भी यही है। द एमसीक्यू शुड बी एप्लीकेशन ओरिएंटेड एंड शुड अराइज फ्रॉम द केस सिनेरियो, ये इंपॉर्टेंट है समझना, एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे, एप्लीकेशन ओरिएंटेड एमसीक्यूज होंगे, और ऐसा नहीं होगा कि जो आपको डायरेक्ट केस से उसका आंसर जल्दी से आसानी से मिल जाए। दैट इज दे शुड बी फ्रेम्ड इन सच अ मैनर दैट द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स वुड नीड टू बी अप्लाइड टू द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब जाहिर सी बात है जो प्रिंसिपल्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, वो आपको अप्लाई करना होगा केस सिनेरियो पे टू फाइंड योर आंसर, एंड दिस इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, और जिसके लिए कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का होना मैंडेटरी है। मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि नहीं भी है तो भी चलेगा, नहीं चलेगा, है ना। सो ये बेसिक फैक्ट है, ये बेसिक अनाउंसमेंट है जो इस वीडियो में हम आपसे शेयर करना चाहते थे। एक बात पक्का है बच्चों कि 24 अगस्त का ये अनाउंसमेंट जो है वो एप्लीकेबल नहीं है नवंबर 19 के लिए। अभी तक ऐसा कोई सर्कुलर, कोई नोटिफिकेशन सीए इंस्टीट्यूट से नहीं आया है, तो नवंबर 19 में अपीयर होने वाले बच्चों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि हम बहुत जल्द विद इन 1 डे और सो, कल तक आपको हम कुछ सैंपल वीडियोज हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं जिसमें हम इस तरह के क्वेश्चंस को डील करना आपको सिखाएंगे कि किस तरह से केस सिनेरियो होता है और उसके साथ एमसीक्यू कैसे फ्रेम होता है और उसे हमें किस तरह से जवाब देना होता है उसका। ये बहुत जल्द वीडियोस विल बी पोस्टेड इन अ कपल ऑफ डे और फिर वहां से आप बहुत अच्छी तरह से रेफरेंस ले सकते हैं, राइट। इसी चैनल पे पोस्ट होगा,
वे टू फिनागल के चैनल पे, और यहां से आप उसे कॉन्टिन्यूअसली देख सकते हैं। मे 20 वाले बच्चे, आप जो भी हैं, जितने भी बच्चे मे 20 में अपीयर हो रहे हैं, उन्हें भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि इस तरह के केस बेस्ड एमसीक्यूज को हम किस तरह से हैंडल करें और ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें। यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है सर, जो मुझे लगता है कि अगर 8 पेज का केस सिनेरियो है और 5 एमसीक्यू है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम जरूरत से ज्यादा टाइम उसमें लगाएं। बिल्कुल, टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा सर यहाँ पर। और एक बात और बच्चे की, ये जो सिनेरियो होगा वो केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए होगा, इसमें कोई डिस्क्रीट पार्ट नहीं होगा आपका। तो डिस्क्रीट पार्ट आपका 70 मार्क्स का रहेगा, ये केवल एमसीक्यू पार्ट के लिए है। और इसमें कितने एमसीक्यू आपके केस सिनेरियो बेस होंगे वो क्लियर नहीं है, तो हो सकता है केवल एक या दो केस सिनेरियो वहां पर आ जाए और बाकी बचे पार्ट पर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके एमसीक्यू। तो कितने पार्ट पर आपका केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू होगा ये अभी तक आईसीएआर ने यहाँ पे क्लियर नहीं करा, लेकिन इतना तय है कि वो 30 नंबर वाले पार्ट का जो एमसीक्यू है उसी पार्ट के लिए होगा, डिस्क्रिप्टिव पार्ट पर आपका केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन नहीं होगा। मतलब असेसमेंट पैटर्न अभी भी 30-70 है, वैसे रहेगा, वैसा ही रहेगा, लेकिन 30 में कुछ क्वेश्चन आपको केस सिनेरियो बेस्ड आ सकते हैं। आप जानते हैं दो तरह के क्वेश्चन है, 1 मार्क एमसीक्यू एंड 2 मार्क एमसीक्यू, तो ऐसा हो सकता है कि 5 से 6 क्वेश्चन अगर केस सिनेरियो पे पूछे जाते हैं तो वो 2-2 नंबर के हों और टोटल ये 10 या 12 नंबर का एक क्वेश्चन फ्रेम हो जाए। बिल्कुल, ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अच्छा, जैसे ईआईएस और एसएम की हम बात करते हैं तो दोनों में एक एक इस तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं, इस तरह के केस सिनेरियो दिए जा सकते हैं। इसके लिए हमें मेंटली पूरी तरह से तैयार रहना है। कंसेप्चुअली आप बहुत स्ट्रांग है, नो डाउट, आप थॉरली पढ़ रहे हैं हर एक चीज को। सो मे 20 के जितने भी बच्चे हैं आपके लिए हम बहुत जल्द एक पैकेज आपको हम प्रोवाइड करेंगे, और जिसमें आप इस तरह के क्वेश्चंस को डील करना आप अच्छी तरह से सीख जाएंगे। मीनवाइल इससे रिलेटेड वीडियोस वी विल पोस्टिंग ऑन कंटिन्यूअस बेसिस ऑन आवर यूट्यूब चैनल, और डेफिनेटली आपको वहां से भी सारी जानकारी मिलती रहेगी, राइट। सो इससे रिलेटेड अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई परेशानी हो, कुछ जानना हो, कुछ पूछना हो कि केस सिनेरियो से रिलेटेड या एमसीक्यू से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत हो, आप किसी भी वक्त हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आसानी से आप वे टू फिनागल के वेबसाइट पे जा सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, फेसबुक चैनल पे जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, टेलीग्राम पे जा सकते हैं, वी आर एवरीवेयर, है ना। एंड किसी भी मोड से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो वी आर ऑलवेज रेडी एंड ऑलवेज वेरी ईगर टू हेल्प यू, है ना। सो आप डेफिनेटली अपने डाउट्स हमसे पूछिएगा, हम और हम असिस्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे, राइट। थैंक यू एवरीवन एंड सी यू। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।